हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसे आपने मिठाई की दुकान में देखा होगा और बहुत बार खाया होगा। तो आज हम बनाएंगे मावा खाजा। तो फ्रेंड्स, बहुत ही परफेक्ट तरीके से मैंने रेसिपी शेयर की है, इस तरीके से आप बनाएं, बहुत ही परफेक्ट आपके बनेंगे। और रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर देना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसकी चाशनी तैयार कर लेंगे। तो एक कप मैंने शक्कर ली है और एक कप ही इसमें पानी डाल देंगे। दो इलायची को इस तरह से खोलकर डाल देना है कि इसकी अच्छी सी खुशबू इसके अंदर आ जाए। और ये देखिए, अभी इसमें बॉयल आने लगा है और शक्कर भी मेल्ट हो गई है। तो बस हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, बस इस तरह की जब चिपचिपी सी हो जाए चाशनी, तो इसे हम बंद कर देंगे गैस और इसे ठंडा कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने आधा कप कॉर्नफ्लोर ले लिया है और उसके अंदर मैं डाल रही हूँ घी। मेल्टेड घी डालना है हमें और इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। घी हमें इतना डालना है कि ये अच्छे से इसके अंदर इसका अच्छा सा पेस्ट बन जाए। ये देखिए, इस तरीके का पेस्ट हमें चाहिए। तो ये पेस्ट बहुत ही ज़रूरी है, इसी तरीके से आपको बनाना है। अब हम इसे रख देंगे साइड में। अब हम आटा गूंद लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने दो कप मैदा लिया है और उसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है और 3 से 4 चम्मच जितना हमने यहाँ पर घी डाल देना है। और इसे अच्छे से मोयम करेंगे। पहले अच्छे से हमने इसे मसल मसल कर इसे यकजान करना है। इस तरह से आप करेंगे तो बहुत ही क्रिस्पी खाजा बनेंगे आपके। और अब हम इसे गूंदना है, तो थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे टाइट सा डो बनाएंगे, अच्छे से गूंद लेंगे इसे मुक्की लगाकर। और ये देखिए, हमारा तैयार हो गया है डो। अब इसमें से हमने थोड़ा सा पोर्शन अलग कर लेना है। अब ये जो पोर्शन हमने अलग किया है, इसमें से दो पीस करेंगे, हम दो अलग टुकड़े बनाएंगे और इस तरह से इसे देखिए दोनों बराबर के होने चाहिए। और बाकी को आटे को हमने ढक देना है। अब ये जो छोटे छोटे से टुकड़े हमने निकाले हैं, छोटे से पेड़े, इसको हमने एक प्लेट में निकाल लेंगे। और एक में मैंने हरा कलर डाल दिया है और एक में मैंने रेड कलर डाला है। जेल कलर का इस्तेमाल किया है मैंने, तो ये नमकीन नहीं होता है। कभी भी आप स्वीट डिश बनाएं तो इसमें जेल कलर का ही इस्तेमाल करें। तो अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। और ये देखिए, ग्रीन वाला तैयार हो गया है। इसी तरीके से हमने मसल मसल कर रेड वाला भी तैयार कर लेना है। और ये देखिए, अच्छे से ये मिक्स हो गया इसके अंदर कलर। अब इसके ये पेड़ा तैयार हो गया, बहुत ही सॉफ्ट भी हो गया है। इसे हमने अच्छे से खींच खींच कर इसे हमने कलर इसमें मिक्स किया है। अब इसे हमने बेल लेना है। तो यहाँ पर मैंने इसे सूखा आटा लगा दिया थोड़ा सा और बेलन से हमें इसे बेलना है। थोड़ा सा लंबाई में बेलेंगे हम इसे, एक लंबी सी स्ट्रिप चाहिए हमें, लंबी सी पट्टी चाहिए। तो ये देखिए, इस तरह की लंबाई में हमने बेल लेना है और एकदम पतला बेला है मैंने। इसी तरीके से दूसरा जो लाल वाला है उसे भी हमने इसी तरीके से बेल लेना है, सेम लंबाई में बेलेंगे और सेम उसी साइज़ की होनी चाहिए, दोनों एक ही साइज़ की होनी चाहिए, ग्रीन वाली और रेड वाली। दोनों को अलग हटा के हम रख देंगे। और अब हम अपना आटा देख लेते हैं। तो आटे को एक बार फिर से मुक्की लगा लेंगे हम, अच्छा सॉफ्ट हो जाएगा आटा। इसे हमने 15 मिनट के लिए रखा था, 15 से 20 मिनट के लिए रख देना है हमें इसे। तो बहुत ही अच्छा लचीला और सॉफ्ट हो जाएगा आटा। अभी देखिए, बहुत ही अच्छा सॉफ्ट हो गया आटा, इसे हमने निकाल लिया है और इसे हम बोर्ड पर ले लेंगे। थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट करेंगे कि ये चिपके नहीं नीचे। और इस तरह से हमने इस पर रख लेना है। ये थोड़ा सा आटा ऊपर भी हम डाल देंगे और इसे हमने बेलना है। इसे हमने लंबाई में बेलते जाना है, तो जितना पतला हम इसे बेल सकते हैं उतना पतला हम इसे बेलेंगे। नीचे की तरफ से मैंने बेलना शुरू किया है क्योंकि ये जो है हमारा जो बोर्ड है, चॉपिंग बोर्ड, वो थोड़ा छोटा है। तो इस तरह से पहले हमने आधा बेल लिया है और एकदम पतला सा बेलना है हमें। अब इस पर हम थोड़ा सा पानी अप्लाई करेंगे ब्रश से, बस नीचे के हिस्से में थोड़ा सा पानी लगाएंगे। और इस पर ये पट्टी रख देंगे हम ग्रीन वाली और थोड़ा सा हाथों से दबा देंगे कि ये चिपक जाए इस पर। और उसी के साथ ही हमने रेड वाली पट्टी भी रख दी है और हाथों से थोड़ा सा दबा देंगे कि ये चिपक जाए। अब जो पेस्ट हमने तैयार किया था कॉर्नफ्लोर का, तो वो इस पर हमने डालना है, खूब सारा डालना है क्योंकि इसे हमने खूब अच्छे से इसे इस पर लगाना है हर जगह,
एक भी जगह हमें इसकी छुट्टी नहीं चाहिए, हर जगह बराबर लगाना है, क्योंकि इसकी वजह से ही परतें अच्छी खुलेंगी। हाथों से ही इसे अच्छे से लगा लेंगे और ये देख सकते हैं आप मैंने कितने अच्छे से इसे इसमें स्प्रेड किया है। अब हमें इसे रोल करते जाना है, तो एकदम टाइट हम इसे रोल करेंगे, बिल्कुल गैप नहीं होना चाहिए बीच में। जहाँ तक हमने घी लगा कर रखा है वहाँ तक हम इसे रोल कर लेंगे अच्छे से, धीरे धीरे रोल करेंगे और टाइट सा रोल बनाएंगे। अब इसे हमें आगे बढ़ाना है, अच्छा सा पतला बेलेंगे, जितना ज़्यादा हम इसे बेलेंगे लंबाई रखेंगे उतना ही ज़्यादा इसके अंदर क्रिस्प आएगा और उतनी ही लेयर्स इसकी बनेंगी। अब आगे के हिस्से पर भी हमने इस तरह से इस क्रीम को लगा लेना है, पेस्ट को बहुत अच्छे से लगाएंगे सब तरफ और फिर से इसे रोल करेंगे आगे। इसी तरह से हमने ये प्रोसेस करना है, पूरा आटा ख़त्म होने तक हमने इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करना है। अभी फिर से हमने इसे बेल लेना है, बहुत ही पतला सा बेलेंगे। फिर से हमने इस पर पेस्ट डाल देना है और अच्छे से अप्लाई करना है इस पर और फिर से टाइट रोल करना है इसे और बाकी के बचे हुए हिस्से को भी हमने इसी तरीके से फैला लेना है। तो ये थोड़ा सा इसमें बहुत ही पतला हो गया था इसलिए थोड़े से इसमें सुराख हो गए हैं, तो इसमें मैंने थोड़ा सा आटा लगाकर इसे सुराख को बंद कर दिया है और फिर इस पर हमने पेस्ट लगा लेना है। अच्छे से पेस्ट लगाएंगे और फिर इसे हमने रोल कर लेना है और इस तरह से रोल करने के बाद हम इसे इस तरह से घुमा लेंगे कि ये अच्छे से इस पर चिपक जाए और ये हमारा रोल तैयार हो गया है। तो अब हम इसे थोड़ी देर के लिए रख देंगे फ्रिज में। इसे मैं रैप कर रही हूँ, ट्रांसपेरेंट वाला जो फॉइल होता है उसमें मैंने इसे रैप कर लिया है और इसे हमने 15 से 20 मिनट के लिए इसे रख देना है फ्रिज में। तो अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसे कपड़े में भी रख सकते हैं लपेट कर। यहाँ पर मैंने 200 ग्राम मावा लिया था, उसे ये फ्रिज का मावा था इसलिए मैंने थोड़ा सा इसे गर्म कर लिया था और इस तरह से जब ये गर्म हो जाएगा तो इस तरह से मेल्ट हो जाएगा हल्का सा, बहुत ज़्यादा हमें इसे मेल्ट नहीं करना है और इसे फिर हम छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए कि ये ठंडा हो जाए और फिर उसमें हम कुछ ऐड करेंगे, कुछ बादाम पिस्ते। तो बादाम काजू और पिस्ता मैंने डाल दिया है और आधा कप यहाँ पर मैंने शक्कर को पीस लिया था, 2 इलायची डालकर मैंने पीसा था और उसे भी मैंने ऐड कर दिया है। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, जब मावा ठंडा हो जाएगा तभी हमने ये काम करना है। और ये देखिए बहुत ही टेस्टी सी मावे की फिलिंग तैयार हो गई है, इसी से टेस्ट आने वाला है खाजा में। अब यहाँ पर 20 मिनट हो गए हैं, अब मैंने इसे निकाल लिया है फ्रिज से और इसे हमने पेपर से अलग कर लेना है, पेपर से अलग कर लेंगे। तो इसलिए हमने इसे फ्रिज में रखा था कि अच्छे से जब हम इसे काटेंगे ना तो अच्छे से कटेंगे और थोड़ा सा सॉलिड हो जाएगा ये, वरना हम उसी वक्त इसे काट लेते ना तो बराबर से नहीं कटता और इसका शेप ख़राब हो जाता, तो इसलिए हमने इसे फ्रिज में रखा था। दोनों साइड्स को हम हटा लेंगे और उसको भी हमने बाद में इस्तेमाल करना है। अब इसे मैंने 1.5 से 2 इंच के गैप से कट कर लेना है। मैं यहाँ पर छोटी साइज़ का खाजा बना रही हूँ, बहुत बड़ी साइज़ का नहीं बना रही हूँ मैं, तो इसीलिए मैंने इसे 1.5 इंच के गैप से कट किया है। आप अगर चाहते हैं बड़ा खाजा बनाना तो आप इसे थोड़ा सा बड़ी साइज़ में कट कर सकते हैं, 2 इंच के गैप से भी आप इसे कट कर सकते हैं। इस तरह से टोटल मेरे 8 पीस बने थे और ये देखिए अंदर कितनी अच्छी लग रही है कलर वाली फिलिंग्स। अब एक पीस उठाएंगे और उसको बीच में से हमने कट कर लेना है इस तरह से छुरी से। इस तरह से कट कर लेंगे और अब हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा दबाकर हाथों से ही थोड़ा सा दबाएंगे हम इस तरह से उंगलियों से या तो फिर हथेली की मदद से हमने इसे थोड़ा सा दबाकर बड़ा करना है। बहुत ही हल्के हाथों से हमें इसे दबाना है वरना इसकी लेयर्स ख़राब हो जाएंगी। और अब हम इस पर हल्के हाथ से बेलन भी घुमा लेंगे, ज़रूरत पड़े तो आप इस पर थोड़ा सा सूखा आटा लगा सकते हैं, इसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
और बहुत ही हल्के हाथों से बेल लेंगे इसे, ये देखिए। और इसी तरीके से जो दूसरा वाला हिस्सा हमने कट किया था उस हिस्से को भी इस तरीके से हमने दबा दबा कर हथेली की मदद से थोड़ा सा बड़ा करेंगे, हल्के हाथों से दबाएंगे इसे और थोड़ा सा सूखा आटा लगा लेंगे, और ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे और फिर इस पर बेलन चलाएंगे इस तरह से बहुत ही हल्के हाथ से। तो ये काफ़ी पतला सा हो जाएगा, आप चाहे तो इसे थोड़ा मोटा भी रख सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके का दो इस तरह से सारे हमने तैयार कर लेने हैं इस तरह से पट्टी। तो ये जो हमारी खाजे की पट्टी है ये तैयार हो चुकी है, देखिए सारी मैंने तैयार कर ली है। अब इसे हम ढककर रख देंगे और एक पट्टी को लेंगे और उसको उल्टी साइड से रखेंगे, कलर वाला हिस्सा नीचे की तरफ रखेंगे और मावे की गोली बना लेना है लेमन साइज़ की, एक छोटा लेमन जो होता है उसी साइज़ की गोली बना लेंगे और इस पर रख देना है और थोड़ा सा इसे पानी से गीला कर लेंगे कि ये फ्राई करते वक्त तेल में खुले नहीं। अब इसके ऊपर से इस तरह से हमने रखना है कि कलर वाला हिस्सा ऊपर की तरफ हो, हल्का सा दबाएंगे इसे कि ये चिपक जाए, पानी लगाया इसलिए हमने इसमें, वरना फ्राई करते वक्त ये खाजा खुल सकता है और हमारा ऑयल भी ख़राब हो जाएगा और ये खाजा भी हमारा ख़राब हो जाएगा। तो इस तरीके से सारे हमने तैयार कर लेने हैं, पानी लगाएंगे और इस तरह से हम रखेंगे कि दोनों तरफ से हमारी कलर वाली पट्टी नज़र आए। तो देखिए बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, हाथों से थोड़ा सा इसे दबा देंगे। इसी तरीके से सारे तैयार कर लेने हैं, ये देखिए। अब हम इसे फ्राई करेंगे, तो यहाँ पर मैंने तेल को मीडियम हॉट रखा है और इसे हमने मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई करना है। मैंने एक बार में दो इसमें खाजे डाल दिए हैं और इसे हमें कुछ नहीं करना है, बस इसी तरह से हमने लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे सेकने देना है। इस तरह से हम ऊपर से थोड़ा सा तेल डालेंगे, इस तरह से डालेंगे हम तेल तो इसकी परतें जो है अच्छे से खुल जाएंगी, नीचे का हिस्सा सेकने देंगे हम। हाई फ्लेम पर बिल्कुल नहीं करना है वरना ये सेक जाएंगे ऊपर से लेकिन खस्ता नहीं बनेंगे। अब मैंने इसे पलट लिया है और हमने यही करना है, यही प्रोसेस करना है, ऊपर से तेल डालना है और ये देखिए कितने अच्छे इसकी परतें खुले, मैं आपको बता रही हूँ बहुत ही माशाल्लाह अच्छे से परतें इसकी खुली थी और बहुत ही क्रिस्पी बना था। इसे हमें ज़्यादा गोल्डन नहीं करना है, ये देखिए इसकी परतें आप देख सकते हैं कितनी अच्छी परतें इसकी खुली है। अब हमें इसे चाशनी में डालना है, तो चाशनी यहाँ पर ठंडी होनी चाहिए और खाजा भी ठंडा होना चाहिए, वरना अगर हम इसे गरम गरम डाल देंगे तो ये नरम पड़ जाएगा। और इसे हमने इसमें बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, बस इसके ऊपर से इस तरह से चाशनी डालेंगे और इसे निकाल लेंगे, इसमें रख के हमें बिल्कुल इसे छोड़ना नहीं है वरना ही नरम पड़ जाएंगे। बस चाशनी इसे डालेंगे इसके ऊपर से कि हर तरफ चाशनी अच्छे से चली जाए और फिर इसे निकाल लेना है। और ये देखिए सारे मैंने इसमें से चाशनी में से डालकर निकाल लिए हैं और कितना खूबसूरत और टेस्टी खाजा हमारा बनकर तैयार हुआ है। इसे आप कई दिनों तक बाहर रखकर खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी, तो रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करना, साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना न्यू अपडेट्स के लिए। मैं इस तरह की रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करती रहूँगी। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।